क्योंकि ऐसा चेहरा जनता के सामने परोस दिया एक डकैत को, एक गुंडो को, एक गरीब पार जैसे देश के गृहमंत्री, वह मेरे देश के, वह मेरा देश, एक गरीब पार व्यक्ति को देश का गृहमंत्री बना दिया, वह मेरा कहां जाएगा मेरा देश। इसलिए बड़ी दुख, बड़ा दुख होता है साथियों। मैं 32 साल पहले हम भारतीय सेना में गए थे और 32 साल पहले एक समाज के अंदर अच्छा खासा भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे, एक दूसरे को देख करके खुश होते थे, एक दूसरे के तीज त्योहार में शरीक होते थे। पिछले 32 साल में हम सीमाओं पर रहे और हम 32 साल जब वहां पर व्यतीत करके हम देश में लौटते, वतन में लौटते हैं, तो हम पाते हैं मेरे देश का भाईचारा खा गए ये गद्दार नेता, ये नीच नेता इस देश का भाईचारा खा गए साथियों। इसलिए हमारी आत्माएं रो रही हैं साथियों। मेरा की वीडियो वायरल हुआ था, भानु जी के साथ में हम मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, भानु जी और हमारी पार्टी सारे सब मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लगभग हजारों व्यक्तियों के फोन आ रहे हैं, दिन रात को 2 बजे तक भी फोन आ रहे हैं, देश से विदेश से। सुबेदार बीर सिंह चौहान मेरा नाम है साथियों। पूरा देश दुखी है, 80% देश की जनता दुखी है। आप कितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं मीडिया के भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी इस देश के ऊपर और अंग्रेजों की जो दलाली करते थे, जो हिंदुस्तानी खून था, उसको क्या कहते थे, क्या कहते थे? उनको दलाल कहते थे, कहते थे कि नहीं कहते थे भाई, उनको दलाल कहते थे। आज भी जो सत्ता, जो हुकूमत है इस देश के अंदर, जो उनका साथ दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? दलाल कहना चाहिए ऐसे गद्दारों को जो हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हाँ, कोई अगर आपकी हुकूमत अगर कोई अच्छा काम करती है, देश की भलाई का काम करती है, उसकी उसकी सराहना भी होनी चाहिए, ये मतदान की आपके अंदर होनी चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन आज देश को मूर्ख बना करके, मशीनों को हैक करके, आज मुद्दा है सिर्फ मशीन को लेकर के, ईवीएम मशीन को लेकर के। मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ, हम 8 महीने हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था संत कबीर नगर से, वहां से 8 महीने बीजेपी की कतई भी गुंजाइश नहीं थी जीतने की, कोई भी उसके जीतने का कोई चांस नहीं था। लेकिन टोटली गद्दारी से, फ्रेड से, धोखाधड़ी से, मशीन को हैक करके ये जो है ये चुनाव जीता गया है। पूरे देश के अंदर से हर जगह से आवाज आ रही है, हे प्यारे देशवासियों, आज देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, गरीबों को, मुसलमानों को आज देश के अंदर जो है मारा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ जो नालायक है, जो कायरों की औलाद है, जो हिजड़े हैं, जो नपुंसक हैं, वो जो है किसी गरीब के ऊपर हाथ उठाते हैं। ये एक जो मर्द कौन है, जो मर्द आदमी है, उसका उसका दायित्व नहीं बढ़ता, उसका ये खून उसको अलाउ नहीं करेगा कि गरीब के ऊपर हाथ उठाए। इंसानियत के लिए ये देश तो गंगा जमुनी तहजीब का देश है, भाईचारे का देश है। इस देश के अंदर जो आजादी की लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर के देश को आजाद कराया था, सभी का देश है। ये मोदी के बाप का देश नहीं है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक माहौल चल रहा है, एक बड़ी साजिश चल रही है देश को तोड़ने की। इसलिए हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे वतनवासियों, मैं सभी से एक आह्वान करना चाहता हूँ। प्यारे वतनवासियों, उठ खड़े हो, उठो, जगह के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। एक पंक्ति याद आएगी साथियों, ये वक्त की जरूरत है, देश की जरूरत है। मैं सभी से विनती करता हूँ साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं फौजी हूँ और फौजी होने के नाते यदि मैं बात नहीं कहता हूँ तो मैं कायर हूँ, कायर। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कायर पैदा नहीं कर रखा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे हाथ जोड़ के बात पूछना चाहूंगा, अपनी आत्मा से बताइएगा, पुलवामा के अंदर जो 45 जवान मेरे सैनिक भाई, इस देश के गरीब के जवान का, किसान का बेटा जो वहां पर शहीद हुआ था, क्या आपको नहीं लगता क्या उसमें साजिश हुई है? बताइए मेरे को, हाथ खड़े करिए, क्योंकि उन जो देश की रक्षा करने वाले वीर जाबाज सैनिक थे, उनकी आत्मा इस सुबेदार चौहान
हिंदुस्तान के अंदर ये चढ़ के बोल रही है। मैं मोदी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं रखी, मैं मोदी के खिलाफत का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं किसी सैनिक की आत्मा जो अरे साहब आत्मा बोल देती है, आत्मा बोल देती है ये किसका काम है, तुम हत्यारे हो हत्यारे, तुम्हारी औकात नहीं थी 2019 का चुनाव जीतने की। तुम लोगों ने उन सैनिकों की बलि चढ़ा करके, मुझे पूरा शक है उन सैनिकों की बलि चढ़ा करके तुम लोगों ने चुनाव को जीता है। उस प्रकार से मीडिया का भी उसमें सहयोग रहा है, यहाँ पर सोशल मीडिया के मैं एक और चीज कहना चाहूंगा साथियों, आप लोगों को पूरे देश के क्रांतिकारियों को उठ खड़ा होना होगा। वो जो दलाल और भर्मी मीडिया है, ये भाई खड़े हैं, मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। पिछली बार जो हमारा वीडियो वायरल हुआ उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग है, बिना आपकी ताकत के हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सलाम करता हूँ आपके माँ को, आपके पिता को, जिस शोक से आप लोग पैदा हुए हैं, आप क्रांतिकारी मीडिया है। दलाल और भर्मी मीडिया को भी हमें एक से एक बचानी होगी। हाथ खड़े करिए जो ये मानते हैं, आज जो देश की जो दिखाइए पूरा देश जो देश के दलाल और भर्मी मीडिया है, उन गद्दारों को उनके अंदर घुस करके, उनके स्टूडियो के अंदर घुस करके उनको तोड़ फोड़ करने की और उनको खत्म करने की आवश्यकता है। मैं सही कह रहा हूं भाई, क्योंकि सारा का सारा जो ये जो कुछ जो कर है ये सारा मीडिया का है, मीडिया का।